नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके ही चैनल टेक्नोफीरिया पर। दोस्तों, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि भारत ने अग्नि 5 के बाद अब अग्नि 6 को डेवलप कर लिया है, लेकिन भारत दुनिया को बताना नहीं चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार DRDO हर 4 से 5 साल के अंतराल में अग्नि सीरीज के मिसाइलों को डेवलप कर लेता है। दोस्तों, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद से ही यह कहा जा रहा है कि भारत अब अग्नि 6 मिसाइल बनाने में लगा हुआ है, जिसकी रेंज 8,000 से 10,000 तक हो सकती है, जो पूरे एशिया के साथ साथ यूरोप तक मार करने में सक्षम होगी। मीडिया का कहना है कि अगर भारत अग्नि 6 मिसाइल के डेवलप के बारे में दुनिया को बता देता है, तो भारत को अमेरिका और यूरोप के विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया है, इसलिए भारत नहीं चाहता है कि उसे यूरोप जैसे देश के विरोध का सामना करना पड़े। लेकिन हम आपको बता दें कि DRDO ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जिससे यह समझा जाए कि भारत ने अग्नि 6 को विकसित कर लिया है। वहीं DRDO कहना है कि हमारे पास 3-स्टेज मिसाइल बनाने की तकनीक तो मौजूद है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, जिससे हम अग्नि 6 पर काम शुरू कर सकें। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर बता दें कि DRDO की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, जिससे यह साबित हो सके कि भारत ने अग्नि 6 को डेवलप कर लिया है। लेकिन मीडिया का कहना है कि भारत ने अग्नि 6 को डेवलप कर लिया है और वह दुनिया को बताना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत को अमेरिका और यूरोप के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अग्नि 6 को सचमुच में डेवलप कर लिया है, और अगर डेवलप नहीं किया है तो क्या भारत को अग्नि 6 डेवलप करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।